दोस्तों मौसम विभाग ने आज कुछ नए अपडेट जारी किए, उनमें से एक एक करके मैं पूरी डिटेल वाइज आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मौसम ने बढ़ाई चिंता, आंधी बारिश का अलर्ट, ओडिशा पर चक्रवात का खतरा। अचानक बदले मौसम ने चिंता बढ़ा दी है, ओडिशा में चक्रवाती तूफान का खतरा है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में मई के महीने में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में आंधी बारिश की संभावना, रोहतांग में बर्फबारी से रुका यातायात। गुरुवार को आंधी और बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम अचानक बदल गया है। आज यानी शुक्रवार को भी दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में मई के महीने में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा में चक्रवाती तूफान का नुकसान पहुंच चुका है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के लिए दबाव बन चुका है। एहतियात के तौर पर ओडिशा सरकार चीफ सेक्रेटरी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान को लेकर चर्चा की। मौसम विभाग के मुताबिक 16 मई को ये चक्रवाती तूफान अपना असर दिखा सकता है। गुरुवार को हुई बारिश में दिल्ली NCR का मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में भी गिरावट आई है। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.6 रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली के कई हिस्सों में धूल भरी हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत कई मैदानी इलाकों में आंधी तूफान ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ों में गिरी बर्फ, गुरुवार को रोहतांग में जमकर बर्फबारी हुई है और इसके कारण यातायात बंद रहा। इसके अलावा कई उत्तराखंड, हिमाचल में हल्की हल्की बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी सिलसिला थमा रहेगा। अगले हफ्ते तक राज्य में मौसम के सामान्य रहने का अनुमान जताया गया है। बारिश से किसान बेहाल है। मई के महीने में अनुमान से ज़्यादा काफ़ी बारिश हुई है, इस कारण फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। कई राज्यों में बड़ी मात्रा में गेहूँ और चना जैसी फसल बर्बाद हुई है। किसान बेहाल है। फसल खराब होने के कारण मंडियों में पड़े गेहूं भीग गया है। किसान हाथ पर हाथ रख बैठे गए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों आज के मौसम अपडेट मैंने आपको दिए हैं। ऐसे ही मौसम अपडेट जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।